हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन पिटारा। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज की जो ब्लॉग है आपको लेके आए हैं उत्तर प्रदेश वेस्ट के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम के अंदर, जिसका नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। लोग इसको नेहरू स्टेडियम नाम जाना जाता है। आपको एक बार दिखा देते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन की, पड़ता कहाँ पर है? भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद जिले के अंदर लोकेशन पड़ गया है। बहुत ही फेमस स्टेडियम है ये उत्तर प्रदेश वेस्ट का। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सन 1990 ईस्वी में भारतीय गवर्नमेंट ने इसको हैंड ओवर किया था। उसके बाद से इसमें लगभग 6 रणजी मैचेस हो चुके हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक यहाँ पे अकेडमी रन की जाती है, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, साथ में अकेडमी भी है। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है। जो अकेडमी रन होती है उसके बारे में आपको बच्चों से बात कराएंगे, तो फीडबैक लेंगे, क्या आएगा प्रोसीडिंग है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या आएगा प्रोसेस है, क्या आगे फीस है। अकेडमी का आपको व्यू दिखाएंगे। 3 जनवरी 2020 से में 10 सालों के लिए, इसमें अगले 10 सालों में इसका देख रेख बनाओगे, सबको टेक केयर आपकी वीवीआईपी ग्रुप की बात करें, विभोर वैभव इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड, ये भारत का वन ऑफ द रियल इस्टेट है जो टेक केयर करता है हाउसिंग और आपकी जो जितने प्रोजेक्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश वेस्ट में, और उसके जो सीईओ हैं वो है आपके मिस्टर प्रवीण जागी जी, जो कि टेक केयर के बड़े शौकीन हैं। बहुत ही एक जैन ह्यूमन बींग है, क्योंकि इस शौक के कारण ही उन्होंने इसको लीज में लिया, ताकि गाजियाबाद वेस्ट से निकलने वाली प्रतिभाओं को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकें, ताकि वहाँ से मैच खेलते हैं जो इतने रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। कुछ ऐसे नाम जिनका आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश वेस्ट के प्रवीण कुमार जी हैं, सुरेश रैना हैं। इसके अलावा बहुत ही ऐसे कम नाम हैं जो आगे जाके बढ़ पाए हैं, लेकिन प्रवीण त्यागी जी ने जो सीरीज पे लिया है उसके लेकर वो यहाँ के प्रतिभाओं को आगे लेके जाना चाहते हैं। स्पेसिफिकली इसके लिए एक छोटी सी अकेडमी रन कर रहे हैं वो, उसमें आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे, बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। यहाँ पर अभी आपको अंदर लेके चल रहे हैं, दिखा रहे हैं इसके बारे में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लेके चल रहे हैं दिखाते रहे। सो गाइस, हम एंट्री कर रहे हैं आपके नेहरू स्टेडियम में, देख सकते हैं गेट नंबर 3 पर अभी हम, ये मेरे साथ बने हैं मेरे फ्रेंड अवनीश त्यागी, अभी हम लेके चल रहे हैं आपको। ये पार्किंग है गाइस, यहाँ की बहुत बड़ी पार्किंग है, ये देखिए यहाँ पर वो दिखा देते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है, इजीली काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। गाइस, वीवीआईपी ग्रुप ने जैसे उसको लीज पे लिया है, तब से इसके अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके बदलाव किया है, अभी वो सब आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे भी साथ साथ। जो है गेट टेकर हैं वो आपको उसकी जानकारी भी देंगे। ये एंटायर व्यू दिखा रहे हैं पार्किंग का आपको हम। अभी करंटली हम मैच भी ऑनगोइंग मोड पर है, दिल्ली वर्सेस हरियाणा टूर्नामेंट लेवल के मैच चल रहे हैं। आपको एक बार इसको ऊपर से व्यू दिखाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर, अभी ये प्रोसेस में है। बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और देखिएगा क्या उत्साह से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं।
हम थोड़े से बात करना चाहते हिंदुस्तानी से, उनके भी जानने की कोशिश करते हैं। जी राजा जी, कब से जुड़े हुए हैं आप पीपीआर ग्रुप से? जी नमस्कार जी, मेरा नाम सुभाष चंदेल है और मैं चाचा हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता हूँ जी। मैं भारत के सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूँ जी। क्रिकेट मेरा ज़्यादा लोकप्रिय खेल है जी, और कम से कम 200 मैच जी मैं इस स्टेडियम में देख चुका हूँ जी। और बड़ी खुशी और हम मुझे प्रशंसा हो रही है जी, ये स्टेडियम क्रिकेट के एक बहुत ही शौक रखने वाले खुद भी खेलते हैं और प्लेयरों को भी प्लेटफॉर्म देते हैं जी। श्री परवीन त्यागी जी जी, उन्होंने इसको 10 साल के लिए TDA से लीज पे लिया है जी। और यहाँ क्रिकेट का पूरा एक बहुत बड़ा कुंभ बनाया है, मतलब स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को जी। बहुत प्रशंसा है जी, यहाँ के बच्चे आए और खेले और आगे बढ़े। तो दोस्तों, प्रतिभाओं को उभारने के लिए प्राइमरली जो हमारे प्रवीण, श्री प्रवीण त्यागी जी हैं, उन्होंने इसको लीज पे लिया है। वो चाचा ने बताया आप लोगों को। चाचा हिंदुस्तानी जी, आप हमें एक बात बताइएगा, लीज पे लेने के बाद आपको VIP रूप के लीज पे लेने के बाद आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई दिए हैं इस स्टेडियम में? देखिए, क्या क्या सुविधाएँ प्रवीण त्यागी जी ने बच्चों को उपलब्ध कराई हैं उनके बारे में जरा बताइएगा। मैंने 2008 में यहाँ पे एक अमर उजाला में मेरा इंटरव्यू गया था जी, कि यूपी के खिलाड़ियों का गाजियाबाद व यूपी के खिलाड़ियों में है दम, लेकिन स्टेडियम है यहाँ कम जी। और चाचा हिंदुस्तानी का कहना, परवीन त्यागी जी जब भी आप सक्षम हो तो उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना जी। तो मेरा सपना उन्होंने साकार किया है जी, क्योंकि यहाँ बहुत प्रतिभाएं थी जी। यहाँ पे अपना वो बहुत सारे क्रिकेटर, सुरेश रैना है, सुदीप त्यागी हैं जी, और मैं प्रवीण कुमार जी हैं, प्रवीण कुमार भी हैं, और बहुत सारे रणजी प्लेयर हैं यहाँ जो यहाँ से खेल के गए जी। तो मुझे लगता है जो एक कुंभ त्यागी जी ने बनाया है यहाँ से बहुत बच्चे निकलेंगे, क्योंकि क्रिकेट का बहुत क्रेज है। अगर सुस्तानी जी, मैं VVIP द्वारा जो इसको 10 ईयर के लिए हायर किया हुआ है इसको स्टेडियम को जी, इसमें त्यागी जी ने बहुत ही क्रिकेट की सारी सुविधाएं जो NCR में क्या पूरे भारत में बहुत ही BCCI के पास है जी, यहाँ सारी विकेटें बहुत अच्छी लगाई हैं और छोटे कोचेस बड़े अच्छे रखे हैं यहाँ पे जी। लखनऊ से भी कोच आए हैं, NCR के भी बहुत अच्छे कोच हैं, छोटे बच्चों को खेल की, स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की सारी सुविधाएं त्यागी जी यहाँ बच्चों को दे रहे हैं। तो कहना है, चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश वेस्ट की प्रतिभाओं को बांटने का काम चल रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यहाँ से मनोज प्रभाकर, सुरेश रैना, सुदीप त्यागी, प्रवीण कुमार भी और भी बहुत सारे क्रिकेटर यहाँ खेल चुके हैं और नए बच्चों को यहाँ सुरेश रैना जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, सुदीप त्यागी है, वो भी यहाँ अपनी टिप्स देते रहेंगे जी। बहुत अच्छा सुविधा है स्पोर्ट्स के लिए NCR में, क्या बहुत ही बड़ा स्टेडियम का स्टेडियम VVIP ग्रुप के बिल्कुल सही हाथों में गया है। प्रतिभाओं को उभारने का कार्य चल रहा है जिसके अभाव में पहले ये इतना अधिक नहीं हो पाता था, क्योंकि कुछ ही प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल पाई हैं। लेकिन अभी VVIP ग्रुप के लेने के बाद से, जैसे चाचा हिंदुस्तान ने बताया, अच्छे कोचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे विकेट, जो बेसिक नीड होती है क्रिकेट के लिए, VVIP ग्रुप प्रदान कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो इससे अच्छे कोई बात नहीं हो सकती। खुद प्रवीण त्यागी बहुत बड़े प्रशंसक हैं क्रिकेट के, वो खुद खेलने में इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा है। तो आपको हम लेके चल रहे हैं, एक बार आपको व्यू करते हैं मैदान का। ये नीचे का व्यू है गाइस, यहाँ से दिखा रहे हैं आपको हम। ये ट्रॉफियां रखी हुई हैं, ये U19 का फाइनल है, जो विजेता होंगे ये उनके लिए ट्रॉफियां हैं, ये विजेता और विजेता के लिए है।
Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश वेस्ट की बढ़ती हुई प्रतिभाएं अपने बारे में बताएंगे। अभी कोचिंग ले रहे हैं यहाँ पर, इनका क्या व्यू है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है गाइस? जोर से बोलो। आर्यन, सनू, ओके, सिमरन त्यागी, ज्ञानन तिवारी, अभिमन्यु, मोहम्मद अर्शद। गाइस देख सकते हैं लड़कियाँ भी यहाँ पर कोचिंग कर रही हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। ये बदलते हुए इंडिया की तस्वीर है जी। गाइस आप लोगों को क्या व्यू है यहाँ के बारे में, जो आपको सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं, क्या व्यू है आपका? हर चीज का भी ख्याल रखता है, हमारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, मतलब लड़कियों की और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाते हैं, उनको उनकी बैटिंग प्रैक्टिस सुधारने के लिए। बीइंग गर्ल, आपको कुछ चैलेंज नहीं आता यहाँ पर प्रैक्टिस करने में? बीइंग ए गर्ल, जैसे कि आप लड़की हो, कोई कंसर्न नहीं होते यहाँ पर? सपोर्ट काफी, यहाँ पे सपोर्टिव स्टाफ काफी अच्छा है, आप लोगों को सपोर्ट करता है। ओके, आपके बोल जो इंडिया की विक्ट्री, उस पर हम क्या करना चाहेंगे आप ऑस्ट्रेलिया में? विराट कोहली इंजर्ड हो गए, सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए, अब इंडिया का टीम जीतने का कोई चांस नहीं है। मगर नए लोग भी कर सकते हैं, टैलेंट है सब में, ऐसी कोई बात नहीं है कि पुराने लोगों के बगैर जीतना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये सच करके दिखाया है, सबको लगता था कि इंडिया जीत नहीं पाएगी। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बहुत रोस्ट किया था टीम को, इंजर्ड हो गए थे, सब प्लेयर भी नहीं थे, 11 प्लेयर बहुत मुश्किल से मिले, उन्होंने जिता दिया, ये बहुत गर्व की बात है। सो गाइस भारत को एक से अधिक सुपरस्टार मिले, भाई कहना चाहते हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट। इन लोगों का भी नंबर आए कहीं ना कहीं, इन हम खेलते हुए देखें। आइए आपको लेके चल रहे हैं, फर्दर दिखाते हैं रेस्ट पार्ट ग्राउंड का। हमारे साथ और कुछ बंदे जुड़ गए हैं जो अभी कोचिंग कर रहे हैं, पर उसके बारे में बताएंगे। पर नाम बताएं गाइस। ठीक है महाराज, बताइए आपके बारे में, आपके क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर? आप एक्सपीरियंस कैसे, क्या कोचिंग करते हैं पर आप लोग? आपके कोच कौन है यहाँ पर, नाम क्या है कोच का? हमारे जो मेन कोच है वो है रमेश पाल सर। ठीक है, और वैसे हमारे नो कोच है। ठीक है, ठीक है जी। सबको अलग अलग कोच सिखाते हैं। ठीक है, जैसे सीनियर बच्चे हैं उनको कमल सर सिखाते हैं, और गौरव सर सिखाते हैं। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? अच्छा है, हमारा स्टेडियम बहुत अच्छा है, हमारे स्टेडियम अलग है, ठीक है, मतलब साफ सफाई बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, और आप हर चीज देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है, सो गाइस भविष्य के हमारे सुपरस्टार्स जो हमें कोचिंग कर रहे हैं, आने वाले टाइम आप देखेंगे ने कहीं ना कहीं जरूर, एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर दीज गाइस। आपको लेके चलते हैं आगे, स्टेडियम का व्यू दिखाते हैं, ये अलग बैठे हैं। नाम क्या आपका? ये रोहन है। चलो बाय गाइस, सी यू। क्या कर रहे हैं भैया आप? मेंटेनेंस चल रहा है। क्या काम है इसका? ये सर,
अच्छा रोल करने के लिए। ये भैया है हमारे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। आगे मूव करते हैं गाइस। अभी आए हैं, जुड़े हैं हमसे। नाम क्या है भाई आपका? साहिल। ठीक है साहिल जी, बताइए यहाँ के बारे में कुछ। आप क्या करते हैं यहाँ पर, कोचिंग कर रहे हैं? जी मैं यहाँ पे 3 साल से कोचिंग कर चुका हूँ। ठीक है। और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बाकी कैंडिडेट से अच्छा लगा है। हमारे सर हैं रमेश पाल सर, हमें जो कि बहुत अच्छा सिखाते हैं। ठीक है। जिस हिसाब से आज जी फाइनल चल रहा है नोएडा का, आज बहुत अच्छा मैच चल रहा है। ठीक है। आप क्या करते हो, बैट्समैन हो बॉलर हो? मैं राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर। थैंक यू भाई। देखिए गाइस, छोटी छोटी प्रतिभाएं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। पुराने खिलाड़ी यूनिवर्सिटी प्लेयर रहे हैं 1987-88 में, हमारे साथ के रोबिन सिंह जूनियर वगैरह थे, हम लोग साथ ही अपना जॉब में आए फिर चले गए सब लोग। हम क्रिकेट से लगातार जुड़े रहे, बचपन से ही हम लोग क्रिकेट से ऐसा लगाव रहा। तो परिस्थितियां ऐसी रहीं कि आज तक, हालांकि मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी गाजियाबाद में सर्विस करता हूँ, लेकिन क्रिकेट को हम अपने से अलग कभी कर नहीं पाए। और उसी इक्विपमेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि भाई जब से ये स्टेडियम VVIP ग्रुप से जुड़ा है, क्योंकि वो लोग प्रवीण भाई, प्रवीण त्यागी जी जो कि वहाँ के चीफ CMD साहब हैं, और उनका जो क्रिकेट के प्रति रुझान है, उसने गाजियाबाद की जो दशा को, स्टेडियम की को एकदम बदल के रख दिया है। क्रिकेट का स्तर अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत ऊपर जाएगा, और यहाँ के जितने प्लेयर्स हैं IPL और उससे ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे एकेडमी होती है, उसके बारे में क्या विचार है आपका, जो नई प्रतिभाएं प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, उनके बारे में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारे चीफ कोच हैं रमेश पाल सर, कमल निगम, योगेश त्यागी हैं, दीपक पुनिया जो रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, गौरव तोमर हैं जो वो भी UP से रणजी ट्रॉफी खेले हैं। तो एक ग्रुप है हमारा, टीम है काम करने वालों की, जो कि बहुत लगन और मेहनत के साथ में अंजाम दे रही है अपने काम को। अभी 3 महीने हमें हुए हैं, और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे लेवल पर, मैं देख रहा हूँ कि उनका स्तर हमेशा ऊपर आता जा रहा है। नमस्कार, मैं रमेश पाल, स्पोर्ट्स ऑफिसर से मैं रिटायर्ड हूँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं वहाँ पे क्रिकेट हॉस्टल्स में ज़्यादातर मेरा टाइम बीता है। कानपुर हॉस्टल में मैं 6 साल था, लखनऊ हॉस्टल में था, ऐसे कई जगह मैंने कोचिंग की है क्रिकेट की, और अब मैं रिटायर्ड होने के बाद यहाँ जुड़े हैं। सर जी, कब जुड़े हैं यहाँ पर? यहाँ 2 महीने शुरू से ही हम जुड़े हैं। और यहाँ की सुविधाओं के बारे में क्या विचार है आपका, जो बच्चों को दी जा रही हैं? यहाँ की सुविधाएं NCR में बेस्ट हैं, सबसे अच्छी सुविधाएं हैं, और कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है। सुबह भी कोचिंग होती है, शाम को भी कोचिंग होती है, 6 कोचेस हैं, और हमारे साथ दिनेश शर्मा जी और प्रवीण भाई साहब हैं जो पूरा सहयोग करते हैं
पूरी मतलब पूरा जो भी हम कोचेस यहाँ पे चाहते हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं और बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी कोचिंग हो रही है। और हमारे जूनियर वर्ग में बच्चे अभी एक फाइनल खेले हैं और 17 एज ग्रुप के बच्चे भी फाइनल खेले हैं और बहुत अच्छा माहौल है, आगे बहुत अच्छी उम्मीद है, यहाँ के बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मेरा नाम कमल निगम, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी खेला हूँ और विजय ट्रॉफी, और मैं यहाँ पर पिछले 3 महीने से कोचिंग दे रहा हूँ जिसमें बच्चे और अच्छे हैं। इससे पहले कहाँ पर कोचिंग देते हैं आप सर? इससे पहले मैं अभयराम जिमखाना क्रिकेट एकेडमी थी उसमें कोचिंग देता था, वहाँ 15-20 साल मैंने कोचिंग करी है, काफ़ी बच्चे भी निकले हैं उससे। तो वहाँ के और यहाँ के बच्चों में क्या आपको फैसिलिटी में क्या डिफरेंस लगा? बच्चे पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब काफ़ी अच्छी सुविधाएं हुई है। पहले बच्चों को इतनी फैसिलिटी नहीं थी, अब बच्चों को बहुत फैसिलिटी है। जैसे एग्जांपल कोई फैसिलिटी बताना चाहिए? पहले ग्राउंड इतना मेंटेन नहीं था, सारा ग्राउंड मेंटेन करके रखना पड़ता था, अब जो इसको इतना मेंटेन किया है और नेट्स की सुविधा इतनी अच्छी हो गई है, बच्चों को प्रॉपर क्रिकेट मिल रही है। पहले 2 ही विकेट होती थी, अब यहाँ पे 10 विकेट है जिसमें बच्चे प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं अपनी। एक्स्ट्रा टर्फ लगा हुआ है, बॉलिंग मशीन वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल है इस टाइम। तो वीवीआईपी ग्रुप का टेक ओवर करने के बाद से यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीजें देखते हैं? चेंजेस हैं, प्लेयर अब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पहले अब बच्चे अब कोचिज भी यहाँ काफ़ी है, पहले 1-2 कोच ही रहते थे, लेकिन आज की डेट में फिजियो अलग है हमारे लिए, दीपक पुनिया जी वो अलग बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, बाकी पॉल सर हैं जो हेड कोच है यहाँ पर, और योगेश त्यागी हैं अच्छे ऑफ स्पिनर रहे हैं, विजय ट्रॉफी खेले हैं और 5 साल वो इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेले हैं काउंटी क्रिकेट। तो हर बच्चा बैट्समैन को बैट्समैन के लिए बैट्समैन अच्छा कोच है और ऑफ स्पिनर बॉलर या बॉलर के लिए मीडियम पेस के सबके लिए अलग अलग कोचेस हैं। कुल मिलाकर बेसिक सुविधाओं का काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पर ताकि यहाँ की प्रतिभाएं आगे निकल सके। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्रतिभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? प्रतिभाएं इतनी अच्छी है, हमारे पास एक 12 साल का बच्चा है पुष्कर चौधरी, अभी एक अंडर 12 का टूर्नामेंट चला है उसमें 178 नॉट आउट किए थे, उसके बाद उसने एक स्कोर में 82 नॉट आउट किए थे। अंडर 14 में एक बच्चा अमन बोरा है, इतना बढ़िया है, हर मैच में शतक लगा रहा है, तो बच्चे काफ़ी हद तक बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। संतुष्ट है बच्चों से, जितनी आप मेहनत कराते हैं उतनी कर रहे हैं? हाँ, बच्चे पूरे लग के लगन से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और हमें बहुत विश्वास है कि आगे जाके बच्चे VVIP इंस्टीट्यूट का पूरा नाम करेंगे। गाइस, हमारे जुड़ गए हैं दीपक पुनिया सर जी, वो ब्रीफ करेंगे यहाँ के बारे में, एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या उनका आपको लेके चलते हैं दीपक पुनिया के साथ। हेलो, मैं दीपक पुनिया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 1। अभी जब से इस एकेडमी की शुरुआत हुई है तब से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टैलेंट है गाज़ियाबाद में। फर्स्ट टाइम गाज़ियाबाद में कोई ऐसी एकेडमी आई है जिसमें हर चीज़ है, फुल पैकेज है। नेट्स के लिए कोचेज हैं स्पेशल, बैटिंग कोच अलग हैं, आपका फील्डिंग के लिए मैं देखता हूँ और उनका ट्रेनिंग का फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह सब ठीक है, वो मेरे अंडर आता है। और काफ़ी पहले कहाँ पर थे आप? इससे पहले कहाँ पर कुछ? मैं रेलवे के लिए सर्व करता हूँ सर जी। और कुछ टाइम निकाल के यहाँ भी थोड़ा सा मैं मेहनत करता हूँ बच्चों के पास जी। टैलेंट कैसा है यहाँ पर, आप कैसा लगता है? टैलेंट ही बिल्कुल, आप ये मानिए कि यहाँ एक्सट्रीम टैलेंट है जी। बस उसको निखारने की ज़रूरत है। हाँ, इन पे मतलब जिस तरह से पहले गौर नहीं दिया जा रहा था, इस बार मतलब किसी ने VVIP ग्रुप ने इसके इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छा किया है। सो गाइस, अभी आपको मिलवाते हैं गाज़ियाबाद के अंदर उभरती प्रतिभाओं से, जिनमें से एक पुष्कर चौधरी हैं जिनके बारे में बताया गया था अभी हमें, एक छोटा सा उनका इंटरव्यू लेते हैं, बताते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाम पुष्कर चौधरी, VVIP इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट का स्टूडेंट हूँ मैं। वो DS क्रिकेट टूर्नामेंट में 178 रन बनाए थे फर्स्ट लीग मैच में, सेकंड लीग मैच में 86, ये थर्ड लीग मैच में 63 रन। तो अभी आप एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से? यस। कोचिंग वगैरह कैसी है यहाँ पर स्थिति? बहुत अच्छी। संतुष्ट है आप? आप बताएं बच्चों, आपका नाम क्या है? आपका? कैसा लग रहा है
आपको कैसा लगा यहाँ पे कोचिंग करके? कोच कैसे हैं यहाँ के? अच्छे हैं काफी। क्या क्या सीखते हैं आप यहाँ पर? आप सभी सीखते हो। क्या टारगेट है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं आप भविष्य में? सेट होना चाहते हैं सारे के सारे? उसके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्या आप तैयार हो उसके लिए? गुड। तो गाइज ये थी प्रतिभा आने वाली, जो उत्तर प्रदेश वेस्ट में भी ट्रेडिंग चल रही है इनकी, आपको लेके चलते हैं आगे। तो दोस्तों हमारे अच्छी किस्मत है, वहाँ जुड़ गए हैं प्रवीण त्यागी जी, तो आपके पीछे प्रोडक्शन कराते हैं। जी सर। मैं प्रवीण त्यागी ऑल इंडिया वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और क्रिकेट की एक्टिविटी से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। इसी के तहत गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक ये टेंडर निकला था कि भाई हम ये अपने नेहरू स्टेडियम को 10 साल के लिए लीज पर देना चाहते हैं, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया एंड उसमें टेंडर ये हमको मिला है। जैसे ही टेंडर मिला था और हमने इस मेंटेनेंस का काम शुरू किया, तो फिर ये लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के कारण पिछले 8-9 महीने से कोई मैचेज हो नहीं रहे थे, लेकिन हमें ये अच्छा, हम उस हर ख़राब चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। हमने उस लॉकडाउन पीरियड में इसके ब्यूटिफिकेशन पे बहुत काम किया। हमने पूरे ग्राउंड में लेबलिंग का कार, विकेट पर काम, इसमें स्टैंड्स पर काम, इसके पवेलियन पर सबको बड़े खूबसूरती के साथ अच्छे से बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से ये पहले कभी इसका नाम हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम गाजियाबाद का, उससे भी ऊपर ऊंचाइयों पर हम इसको ले जाने की प्लानिंग है। अभी इसमें हम फ्लड लाइट का काम कर रहे हैं, और फ्लड लाइट के बाद डे नाइट मैच यहाँ पर बड़े आसानी से हो पाएगा। अभी सबसे पहले हमने एक टूर्नामेंट अंडर 19 ये हमने आयोजित किया है, जिसका आज फाइनल है। उस फाइनल मैच में आज हरियाणा क्रिकेट अकेडमी और नोएडा वंडर्स के बीच में ये फाइनल खेला जा रहा है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ। हमारे बीच में अभी हमारे चीफ गेस्ट श्री अजीत पाल त्यागी, जो यहाँ से लोकल विधायक हैं, वो पहुँचने वाले हैं। बड़ा कांटे का मैच चल रहा है, लेकिन मैं आज सुबह से ही लगातार इस मैच का आनंद ले रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से ये हमने पहला टूर्नामेंट एक अंडर 19 कराया है, यहाँ पर एक बड़े अच्छे अच्छे स्तर के टूर्नामेंट कराने की हमारी प्लानिंग है। अभी हमने जो एकेडमी एरिया बनाया है, पहले यहाँ 4 विकेट थे, आज यहाँ पर हमने 11 विकेट बनाए, जिसमें से एक कवर्ड भी हमने प्रैक्टिस विकेट बनाया है, जिसमें आप डे नाइट दिन रात कभी भी जो है प्रैक्टिस बच्चे कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया है, बाकी बच्चों को खेलना है। अच्छे अच्छे राष्ट्रीय स्तर के कोचेज हमने यहाँ रखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गाजियाबाद में जो प्रतिभाओं को निखारने का कार्य है वो हम करेंगे, और बाकी बच्चों की किस्मत है। यदि अच्छा भगवान ने साथ दिया तो यहाँ से, हमारे यहाँ से खेले हुए बच्चे निश्चित रूप से भारतीय स्तर पर क्रिकेट खेलेंगे।
साथ साथ बच्चों को सुविधा अच्छी मिले, तो हमने घूमने वाले के आम लोगों के लिए भी सुविधाओं का ध्यान रखा है। हमारा स्टेडियम, ये जो स्टेडियम का गेट है, गेट नंबर 1, सुबह 5 बजे खुलता है, 9 बजे तक सुबह। उसके बाद साफ सफाई होती है सब पूरे दिन में, फिर शाम को 4 से 9 खुलता है। सुबह हमने घूमने वालों के लिए भजन का इंतजाम किया हुआ है। ट्रैक के चारों तरफ पैरेलल हमने स्पीकर्स लगाए हुए हैं, इसमें सुबह भजन चलते हैं और शाम को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलता है। लाइट ऊंचे पोल के पेड़ होने के कारण लाइट नहीं थी, तो उसमें आम लोगों को रात में दिक्कत ना हो घूमने के लिए, तो ट्रैक के पैरेलल ही हमने लाइट लगाई, जिससे रोशनी की कमी ना पड़े और घूमने वालों को किसी को भी दिक्कत ना हो। साफ बाथरूम, वाटर कूलर लगवाया, उसमें आरओ लगवाया है घूमने फिरने के लिए, पानी की कोई किसी को समस्या ना हो। किसी भी घूमने वाले पर हमने किसी भी प्रकार का निजीकरण के तहत, जो लोग कहते थे कि हमारे टैक्स लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, पर्ची कटेगी, किसी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आम जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और आम जनमानस को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, यही प्रयास वीआईपी ग्रुप का है। उम्मीद करते हैं बेहतर सुविधाओं का लाभ जो है बच्चे उठाएं, गाजियाबाद का नाम रोशन करें और आम आदमी को बेहतर सुविधा मिले, यही हमारा वीआईपी ग्रुप का पर्पज है। हमने यहाँ पर एकेडमी के लिए अपने फॉर्म छपवाए हैं वीवीआईपी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के नाम से, जो हमारी एकेडमी है नाम, उसमें 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन और 2000 रुपए मंथली फीस है। उसमें हम ड्रेस प्रोवाइड कराते हैं और बेहतर कोचेस रखे हुए, फिटनेस कोच अलग है, बल्लेबाजी कोच अलग है, हमारे हेड कोच है, सभी प्रकार के कोच, और समय समय पर, अब जैसे आईपीएल खत्म हुआ, टूर खत्म हुआ, तो हमारे प्रवीण त्यागी जी जो सीएमडी ग्रुप है, हमारे वीआईपी वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बच्चों को टिप के लिए आते रहेंगे, तो यही बेहतर प्रयास गाजियाबाद के नाम हो और आने वाले समय में पहले की तरह इस नेहरू स्टेडियम पर रणजी प्रतियोगिता हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। और अच्छी, इसमें अच्छी लाइटें लगेगी, जो डे नाइट मैच का भी नाम होगा इसमें, इन्हीं सुविधाओं के साथ। एक क्वेश्चन है सर मेरा, अगर किसी को अकेडमी के अंदर एडमिशन लेना हो तो किस किस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन होगा, किस तरीके ले सकता है? उसमें कॉन्टेक्ट के लिए मेरा नंबर है, अपन नंबर आप ला सकते हैं, दीपक त्यागी जी, नंबर 7982177235। हमारी जो वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट नंबर भी डला हुआ है, उसमें जब आप लॉग इन करेंगे तो उसमें मेरा ही नंबर आके यहाँ पे। वेबसाइट क्या है सर? हमारी वेबसाइट है www.vvipcc.com, ईमेल एड्रेस है हमारा cricket@vvipcc.com, 8826523030। इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये हमारे इंस्टीट्यूट में ही मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ सुबह 10 बजे से 6 बजे तक रहता हूँ, हमारी एकेडमी का टाइम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है, बाकी मेरा मोबाइल है, कोई यहाँ मिलकर जानकारी करना चाहता तो मैं यही मिलता हूँ, बाकी मोबाइल पर तो मैं सदैव उपलब्ध हूँ, 24 घंटे मेरा मोबाइल, तो जानकारी कोई भी एकेडमी के प्रति लेना चाहता है तो उसके लिए। Hey guys, घूमने के लिए, वॉक करने के लिए यहाँ पर सभी आम आदमी के लिए व्यवस्था है घूमने के लिए।
शेखर भाई भैया कह रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक समझ गए समझ गए नहीं नहीं समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए अंदर बैठे हो ना चाय पानी ना ना बताओ वो पर फोन करो वो नहीं आ रहा फोटो
Thank you.
बैठ जा बेटा बैठ जाओ चिका अरे स्वास्तिक बैठ जा बेटा शाबाश